सिस्टर कल 4 बजे इलाज कराने के लिए गई परसिपुरवा चौराहे पे जी, तो वहाँ थोड़ा सा हल्का फुल्का प्रॉब्लम था, हल्का फुल्का फीवर की दिक्कत थी, ठीक है। और उसके बाद उन्होंने डॉक्टर से इलाज कराने के लिए बोला तो डॉक्टरों ने इंजेक्शन उसको दे दिया। इंजेक्शन देने के बाद उसकी बीमारी बहुत तेज़ी से, यानी इंजेक्शन रिएक्शन कर दिया, एक्सपायरी डेट का इंजेक्शन था, एक्सपायरी डेट का इंजेक्शन लगाया उसका, उसकी हालत बिल्कुल गंभीर हुई और मुँह से झाँक आने लग गया। झाँक आने का कारण था कि वो बिल्कुल आँख वोंख उसका ऐसे मिचलाने लग गया। उसके बाद उन्होंने 2 इंजेक्शन और लगाया, उससे भी कंट्रोल नहीं हुआ। उसके बाद उन्होंने बोतल लगाया, बोतल लगाने के बाद भी कंट्रोल नहीं हुआ। तो इन्होंने बिना परिजन को बताए हुए और अस्पताल लेने का डिसीजन ले लिया। फिर ये हुआ सर कि वहाँ पहुँचते पहुँचते अस्पताल भी सिस्टर नहीं पहुँची, उसके बाद उसकी डेथ हो चुकी। मरीजों के मर जाने पर क्या कार्यवाही की जाती है इनके खिलाफ स्वास्थ्य विभाग द्वारा? इसमें ये इस बात की जानकारी हमें संज्ञान में आया मेरे, और जैसे ही मेरे संज्ञान में आया हमने वहाँ पे अपने जो हमारे मेडिकल सुपरिटेंडेंट हैं मोतीपुर ब्लॉक के, उसको हमने वहाँ पे भेजा उनके घर पे परिजनों से बातचीत करने के लिए। और इसके साथ ही साथ हमने जो है तुरंत एक इंक्वायरी जांच समिति बनाई, जिसपे कि हमारे डिप्टी सीएमओ डॉक्टर बांदिल के नेतृत्व में ये जाँच जो है 24 घंटे के अंदर अपने रिपोर्ट देगी कि इसमें क्या सच्चाई है, और जुदा छात्र डॉक्टर की वजह से अगर ऐसा हुआ है तो उसको जो है सख्त संविधि कार्रवाई की जाएगी। इसी परिप्रेक्ष्य में मुझे ये भी करना है कि मेरे द्वारा और जो हमारी टीमें हैं स्वास्थ्य विभाग की, वो लगातार जो है इस तरह के जो जुदा छात्र डॉक्टर्स और जो अधिकृत क्लिनिक्स और नर्सिंग होम इस पर भी छापे कार्रवाई कर रही है। और इसमें पिछले 6 महीने में कुल 21 लोगों पर इस तरह के विभिन्न लोगों पर कार्रवाई की गई है, और कुछ लोग जेल में भी सर भी वहाँ भी अपनी टीम भेजी थी जी, और वहाँ भी वो क्लिनिक सील हुई है, उस पर भी विधिक कार्रवाई प्रक्रिया चल रही जल्दी उनकी। नहीं सर अभी